और अंत में ये मौसम सैर का है, जिसके पास जितना वक्त है और जितना बजट है उसके मुताबिक लोग सैर का कार्यक्रम भी बना रहे हैं। वैसे भी महीनों कामकाज की जद्दोजहद में शामिल रहने वाले लोग अक्सर हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, हफ्ते भर की सैर और हफ्ते भर का आराम भी। एक हफ्ते की सैर, सैर सपाटे की चाहत रखने वाले लोगों के बीच ये कार्यक्रम भी खासा पसंद किया जाता है। वैसे भी परिवहन साधनों की बढ़ती उपलब्धता ने देश भर में किसी भी जगह की सैर एक हफ्ते में कर लेने की वजह पैदा कर दी है। आज देश के हर कोने में बस ट्रेन के अलावा हवाई यात्रा का तेजी से विस्तार हो रहा है। इंटरनेट और तमाम अन्य संचार सुविधाओं ने जगहों के बारे में लोगों को खासा जागरूक किया है और लोग अपने मुताबिक टूर और कूल डेस्टिनेशन का चुनाव करने के लिए आजाद हैं। 3 nights 4 days या 4 nights 5 days या 5 nights 6 days का पैकेज बड़े आराम से आपको 10-15 हज़ार में मिल जाता है। बाकी आप अपना साइट सीइंग का और थोड़ा वो क्योंकि पैकेज जो होता है वो बेड एंड ब्रेकफास्ट पे के बेसिस पे होता है। कुछ पैकेज ऐसे हैं, कुछ डेस्टिनेशन वहाँ पर मील होती है। देश में पूरा हफ्ता गुजारने के लिए तमाम जगह हैं। पूरा का पूरा हिमालय प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का क्षेत्र, पश्चिम में माउंट आबू और दक्षिण में ऊटी जैसी जगहें ऐसी हैं जहां हफ्ते भर की सैर का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। साथ ही एक जगह के अलावा कुछ अन्य जगहों को भी सैरगाहों की लिस्ट में समेटा जा सकता है। डेस्टिनेशन ऐसे हैं, जब आप एक सर्किट में जा रहे हैं तो आप 2-3 डेस्टिनेशन कम्बाइन कर सकते हैं। जैसे आप मनाली गए, अगर आपके पास 7-8 दिन का टाइम है तो आप मनाली के साथ शिमला को कंबाइन कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में हफ्ते भर की सैर, उस क्षेत्र की संस्कृति, तहजीब, कला, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि आपने सैर सपाटे की ललक और कायनात को निहारने का सलीका हो। अखिलेश कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।